सो so, अगर तुम लोग ने द फ्लैश की मूवीज और शोज देखे तो तुम लोग को पता होगा कि अगर फ्लैश ज्यादा तेज दौड़ जाए ना तो वो लिटरली पानी के ऊपर दौड़ सकता है लेकिन वो तो दोस्तों केवल एक मूवी थी क्या एक्चुअल में जी डी की दुनिया में हमारा फ्लैश पानी के ऊपर दौड़ सकता है इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं द बीच में एंड हम लोग बन चुके हैं द फ्लैश अब चलो पानी में दौड़ा जाए गाइस थ्री टू वन एंड फ्लैश पूरी दम लगा देना लेट्स गो ओ एक्चुअल में यार हम लोग पानी के ऊपर दौड़े ये देखो ओ माय गॉड ये हो क्या रहा है

नहीं निकल लिए हम लोगे ओ यस सो एक्चुअली में यार ये हमें हम लोग की कंफर्म होती है अगर हम लोग किसी भी ऊंची बिल्डिंग से जम लगाएंगे तो हम लोग ऐसे करके ग्लाइड करके करके उड़ पाएंगे ये एंड मैडम जी को उड़ा दिया हम लोग ने

मेरी बैट मोबाइल मैंने मंगा दिया है ऑल राइट right, देखो नीचे आमने भी लगाया मैप में देखो कुछ आ तो रहा है हम लोग के पास एंड no! oh, वो देखो, वो देखो वो देखो वो देखो आ रही है हम लोग बैट मोबाइल हमारे पास आए ये क्या बदतमीजी थी बे बैट मोबिल क्या बदतमीजी करके आई हो तुम बेचारी भोली भाली मैडम जी को ही उड़ा दिया यार मैंने तुम्हें बुलाया था अपने पास लेकिन इतनी भी जल्दी थोड़ी थी कि बेचारी भोली भाली मैडम जी कोई निपटा दो मैडम जी आई एम सॉरी वेरी वेरी सॉरी आपके साथ बहुत गलत हुआ है ऐसा करता हूँ आपकी लाश को यहाँ पे ठिकाने लगा देता हूँ <laughs> फिर मैं जाता हूँ अपनी चमगाधा डिगरी करने सो मैडम जी ऐसा यहाँ पे मैं आपको बैठा देता हूँ सबको लगेगा ये आप यहाँ पे बेंच पे रिलैक्स कर द है ये क्या था मैडम जी तो एकदम उठ गई बेंच के पास जाते ही एकदम उठ के आराम से चिल मार के जाने लगी चलो सही यार जो भी हुआ है होने देते हैं मैडम जी कम से कम सही है अब हम लोग के ऊपर कोई मर्डर का इंजाम नहीं लगेगा सही है <laughs> अच्छा चलो एक बार बैट मोबाइल में बैठ के देखते हैं बैट मोबाइल मुझे बैठा लो अपने पास वो माई गॉड यार बड़ी स्टाइलिश बैट मोबाइल है इसका ढक्कन खुल जाता है ऊपर एंड ढक्कन खुलने के बाद हम लोग बैठ सकते हैं गॉड इसमें गन्स वगैरह भी है क्या एक सेकंड सारा ट्राई करती है इसमें तो गन्स है यार ये देखो आगे सामने लगी है एंड हम लोग किसी को भी इस गन से उड़ा सकते हैं

लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि यार ये वाली मेथ हम लोग की 100% परसेंट कन्फर्म होती है आप चलो, में तो so मूवी तो को को so तो थी क्या, में 5 दुनिया में हमारा नुकीली जीव वाला वेनम लोगो को खाना पसंद करता है की नहीं इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं वेनम बन के चलो थोड़ी पेट पूजा करी जाए यहाँ पे दो लॉन्डे इंजॉय कर रहे हैं इनको थोड़ा खाने की कोशिश करते हैं सो लॉन्डोन नम तुम लोग बड़ी डिलीशियस लग रहे हो मेरे को मैं थोड़ा सा तुम्हें खा सकता हूँ देखो यार ये काला मेंढक कहाँ से आ गया वो इतना बड़ा हो सकता है यार ये मेंढक बहुत जहरीला हो इससे यार हम लोग दूर ही रहते हैं हाँ सही बोला ओहो हो लॉन्डो मैं बिल्कुल भी जहरीला नहीं हूँ मैं तो बस आप लोग को अपनी प्यारी सी किससी देने आया हूँ <laughs> अपनी लंबी जीप से आपको किससी दूंगा भाई साहब अरे अरे ये क्या हुआ अरे खाना है यार नैरम क्या कर रहे हो मार क्यों रहे हो उसे खाना है सॉरी यार लॉन्ड्री मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था मैं तो बस तुम्हें खाना चाहता था एंड पता नहीं यार कैसे खाते हैं चलो फिर से ट्राई करते हैं खाने का ओके 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 हम लोग ने इस बंदे को पकड़ लिया एंड अब हम लोग क्या इसे खा पाएंगे क्या अब हम लोग इसे खा पाएंगे एंड ओ ओ गाइस हम लोग ने से खाया तुम तो लोग देखा ये देखो हम लोग इसका खा पा रहे हैं नो माय गॉड ये खत्म ही हो गया हम लोग ने इसे पूरा खा डाला मतलब कि हमारा जीटी वाला वेनम भी में इंसानों को खा लेता है बस अगर हम लोग किसी को भी खाना है तो ऐसे करके हम लोग उसे बुलाना है अपने पास एंड फिर इसे एक बढ़िया तरीके से खा जाना है वाह वाह मजा आ गया अम नम 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 मेरी लंबी सी जीप को सुकून मिला इस लौटने का टेस्ट बड़ा अच्छा था सो यस दोस्तों ये वाली मेथ हम लोग की कंफर्म होती है चलो दोस्तों नेक्स्ट की तरफ मूव किया जाए सो गाइस तुम ने देखा होगा जो सुपरमैन की पुरानी वाली मूवीज आती थी उसमें एक बेसिकली सीन ऐसा होता

फिर से मारी हम लोग फिर से सुपरमैन पाजी को कुछ नहीं हुआ oh हैं ना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इनको कुछ नहीं फर्क पड़ता है अरे आँखों में गुड़ काय कर रहे हो आ, कुछ नहीं सुपरमैन खेलना हो गया अब, मेरा, अब मैं चलता हूँ okay, दोस्तों हम लोग की सुपरमैन की आंख में भी गोली मारो तो उनकी माँ की आंख को भी कुछ नहीं होता है तुम लोग ने देखा होगा की हीरो को जब एक बहुत ऊंची बिल्डिंग से जंप लगानी होती है तो वो सीधा डमस्टर में

जाती है अराउंड सिक्सटी परसेंट चली जाती है सो so, अब चलो मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है ताकि अब लोग so, guys, 3, 2, 1, हम लोग एकदम डमस्टर में ही जम्प करें सो गाइस चलो दोस्तों किया जाए लेट्स गो में हम हम लोग लोग गिरे एंड की फिर से यार आधी लाइफ चली गई ऑलमोस्ट आधी लाइफ चली गई यार मतलब पिछले बार मेरी आई थिंक सिक्सटी परसेंट लाइफ गई थी तो इस बार फिफ्टी परसेंट लाइफ गई है आई मीन थोड़ी सी लाइफ मेरी बच गई इस बार लेकिन यार फिर भी लाइफ गई है पूरी लाइफ नहीं बची और पिक्चरों में तो ऐसा होता है कि बिल्कुल आराम से हीरो एकदम बढ़िया जम्प करके जाता है और उसको एक स्क्रैच भी नहीं आता

दोस्तों माइकल हमारा एस आशिक आज प्ले करेगा सो अब चलो पहले हम लोग ऐसा करते हैं लेट जाते हैं हमारा आशिक क्या इस प्लैंक में और आके लेट सकता है मैं समर में समा जाऊंगा और मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा रानी तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना माइकल थोड़ा ज्यादा ओवर एक्टिंग हो रही है तुम्हें बस इतना करना यार चुपचाप चाप यहाँ प्लैंग में आओ और जाओ अरे रानी मैं कैसे आ पाऊंगा इस प्लैंग में ज्यादा जगह नहीं है और अगर मैं आया तो मुझे तुम्हें इस से पटक के डुबाना पड़ेगा माइकल ड्रामे क्यों कर रहा हूँ चुपचाप आओ ना यहाँ जाओ प्लैंग में जगह है तो रानी तुम इतना बोल ही रही हो तो ठीक है मैं आता ओके रानी मैं लेट गया हाँ मैं भी लेटा तुम भी लेटे हो एंड हम लोग काफी स्टेबल है यार प्लैंक में हम लोग को प्लैंग नहीं डूब रहा एंड या थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है टेढ़े मेढ़े हम लोग को लेटना पड़ रहा है लेकिन हमारा प्लैंक स्टेबल है सो गाइस आई थिंक यार हमारी हीरोइन हमारे हीरो को में बैठा सकती थी प्लान में और जिंदा बचा सकती थी लेकिन हीरोइन ने हीरो की कुछ नहीं सोची और हमारा हीरो मर जाता है लेकिन जो भी दोस्तों मूवी वाली बस्टेड होती है क्योंकि हमारे दोनों कैरेक्टर बच गए हैं हमारा माइकल भी बच गया है हमारा फ्रेंक्रेन भी बच गया है अरे आप चलो नेक्स्ट मित्र करने चलते हैं माइकल चलो पेंटिंग वाला सीन करने चले अरे परी पाजी इट्टा आपके लिए हमने कर लिया अब हम वो पेंटिंग वाला सीन नहीं करेंगे ठीक है माइकल नहीं कराएंगे तुम्हें पेंटिंग वाला सीन एंड दिस इज वेरी गुड बायता हूँ बाय